दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर के भारतीय सेना के इंजीनियरों ने आज 6 दिनों के रिकॉर्ड समय में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सुखतवा नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है। जीओसी पीएमपी सब एरिया द्वारा ब्रिज को नागरिक प्रशासन को सौंप दिया गया है। इस पुल का निर्माण काम 26 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था। आज 6 दिनों के रिकॉर्ड समय में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सुखतवा नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय आपात स्थितियों के लिए निर्बाध और समन्वित नागरिक सैन्य प्रतिक्रिया का एक आदर्श उदाहरण रहा है। इस बेली ब्रिज के निर्माण ने मध्य प्रदेश में NH-46 पर नागपुर भोपाल कॉरिडोर पर दिन रात कनेक्टिविटी और महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों की बहाली सुनिश्चित की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे नर्मदापुरम जिले के लोगों को राहत मिली है, जिनका दैनिक जीवन काफी प्रभावित हुआ था, क्योंकि भारी मानसून के कारण वे नियमित रूप से परेशान थे। ये बेली ब्रिज 3.5 मीटर चौड़ा और 90 फीट लंबा सिंगल लेन बेली ब्रिज है, जो भारी ट्रैफिक को बनाए रखने में सक्षम है। ये पहली बार है कि मध्य प्रदेश के किसी राज्य में भारतीय सेना ने इस विनिर्देश का एक पुल बनाया है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।